हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। पिछले वीडियो में हमने बात किया था अबाउट 8 पजल प्रॉब्लम। इस वीडियो में हम समझेंगे हाउ टू सॉल्व 8 पजल प्रॉब्लम यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोस। सो 8 पजल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक इनिशियल स्टेट होता है और एक गोल स्टेट। इनिशियल स्टेट जहां से आप शुरुआत करेंगे और गोल स्टेट जहां पे आपको रीच होना होता है। तो सिंस हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च के थ्रू अपना 8 पजल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च को अनइन्फॉर्म्ड सर्च भी कहा जाता है या फिर नॉन ह्यूरिस्टिक सर्च भी कहा जाता है, ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं, बिकॉज वो ब्लाइंडली सारे नोड्स को एक्सप्लोर करता है, वो कोई भी अपना इंटेलिजेंस यूज नहीं करता है। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो इट रिक्वायर्स ओ ऑफ बी रेज टू डी, वेयर बी इज ब्रांचिंग फैक्टर एंड डी इज डेप्थ फैक्टर। वर्स्ट केस में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3:20 हो सकती है, जहां पे आपका 20 इज डेप्थ फैक्टर एंड 3 इज ब्रांचिंग फैक्टर। 8 पजल प्रॉब्लम के लिए आप याद रखिए, हमेशा आपका ब्रांचिंग फैक्टर 3 ही होगा। अब वो 3 आया कहाँ से ये आपको समझा देती हूँ। ब्रांचिंग फैक्टर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, विच इज ऑल पॉसिबल मूव्स ऑफ एम्प्टी टाइल एट ईच पोजीशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइल्स। एज इन, जैसा कि मैंने आपको 8 पजल प्रॉब्लम की वीडियो में बताया था कि जब भी आपकी एम्प्टी टाइल किसी पोजिशन पे हो तो उसके कितने पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं, तो मैंने हर एक पोजिशन के लिए आपको ये चीज बताई थी कि उस पोजिशन पे है तो कितने पॉसिबल मूव्स, उस पोजिशन पे है तो कितने पॉसिबल मूव्स। तो ऐसे जब हम हर एक पोजीशन पे टाइल को रखते हैं तो हमको एक पॉसिबल मूव्स पता चलते हैं, उन सारे मूव्स को ऐड करेंगे हम तो हमको मिलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मूव्स पॉसिबल फॉर एन एम्प्टी टाइल एट ईच पोजीशन। तो दैट इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टाइल्स, बिकॉज 8 पजल प्रॉब्लम में टोटल 9 टाइल्स होते हैं इंक्लूडिंग द एम्प्टी टाइल। सो इट बिकम्स 24 डिवाइड बाय 9 व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 2.67। So we round it off and we get 3. Hence, 8 puzzle problem के लिए हमेशा branching factor 3 होता है। Depth factor means आप कितने level पे जा रहे हैं। आपका initial state के time पे आपका level जो होता है, that is depth जो होता है, वो 0 होता है। फिर जैसे आप उसके nodes को explore करते हैं, आपका depth बढ़ता जाता है। आइए उसको भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले initial state को solve करते हैं और goal state achieve करने की कोशिश करते हैं Using breadth first search। तो ये सबसे पहले हमारे पास initial state है। हमें पता करना है कि empty tile के कौन कौन से movements possible हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, I can perform right move, up move and down move। तो empty tile जब मेरी right में जाएगी तो देखिए कैसा movement possible है। जो 4 है वो अब left side में shift हो जाएगा, and obviously क्योंकि empty tile right side में जा रही है तो वो right move हो गया। Similarly जब up move होगा तो 1 विल कम डाउन एंड द एम्प्टी टाइल विल गो अप, एंड जब डाउन मूव होगा तो एम्प्टी टाइल नीचे जाएगी तो 7 ऊपर आ जाएगा। तो ये हम आ गए अभी फर्स्ट लेवल पे, वी कैन सी राइट अप एंड डाउन मूव। नेक्स्ट, अब ये जो राइट मूव है उसके सारे नोड्स को एक्सप्लोर करना है, एज इन हमें पता करना है कि ये जो एम्प्टी टाइल हमें सेंटर में दिख रही है इसके कौन कौन से मूव्स पॉसिबल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये जो एम्प्टी टाइल है वो अप भी जा सकती है, राइट भी जा सकती है, लेफ्ट भी जा सकती है और डाउन भी जा सकती है। तो हम सारे नोड्स को एक्सप्लोर करेंगे। अगर ये एम्प्टी टाइल राइट में जाती है तो वी विल गेट द न्यू नोड एज 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 8। अगर ये एम्प्टी टाइल लेफ्ट में जाती है तो वी कैन गेट 1, 2, 3 एम्प्टी टाइल 4, 6, 7, 5, 8। देन अगर ये एम्प्टी टाइल अप जाती है तो वी विल गेट 1 एम्प्टी टाइल 3, 4, 2, 6, 7, 5, 8। अगर ये एम्प्टी टाइल डाउन जाती है तो वी विल गेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एम्प्टी टाइल 8। तो अब आप आ गए सेकेंड लेवल पे, आपका डेप्थ यहाँ पे है 2। अब ये तो हमने फर्स्ट लेवल पे जो हमारा राइट मूव वाला ब्लॉक था, नोड था, उसको एक्सप्लोर किया है। अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च में जा रहे हैं, मतलब हम सारे जितने नोड्स हैं जो उस लेवल पे है पहले उनको एक्सप्लोर करेंगे तभी ही आगे बढ़ेंगे। तो मैंने अभी राइट मूव वाला एक्सप्लोर किया है, अब मुझे अप मूव वाला एक्सप्लोर करना है, सिमिलरली मुझे डाउन मूव वाला एक्सप्लोर करना है, उसके बाद ही मैं थर्ड लेवल पे जा सकती हूँ। तो चलिए उसको भी एक्सप्लोर करते हैं, अप मूव वाले को एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये अप मूव वाला नोड है उसमें एम्प्टी टाइल के कितने मूवमेंट्स पॉसिबल है, इधर राइट और डाउन। ओके,
सो जब हमारी एम्प्टी टाइल राइट में जाएगी तो हमारा जो न्यू नोड है वो कुछ ऐसा बनेगा, 2 empty tile 3 1 4 6 7 5 8, सब कुछ सेम रहेगा, बस एम्प्टी टाइल विल शिफ्ट टू द राइट। सिमिलरली अगर एम्प्टी टाइल डाउन जाती है तो न्यू नोड विल बी 1 2 3 एम्प्टी टाइल 4 6 7 5 8। अब ये हो गया, हमने अप मूव वाले नोड को एक्सप्लोर कर लिया, अब डाउन मूव वाले नोड को एक्सप्लोर करना है हमें। ये कब तक करते रहना है? जब तक हमें गोल स्टेट नहीं मिल जाता, तो अभी तक कोई गोल स्टेट मिला तो है नहीं। तो ये हमने डाउन मूव वाले नोड को एक्सप्लोर किया, यहाँ पे भी एम्प्टी टाइल के दो ही मूवमेंट्स पॉसिबल है, राइट एंड अप। तो जब राइट मूवमेंट होगा तो वी विल गेट 1 2 3 7 4 6 5 एम्प्टी टाइल 8, एंड जब अपवर्ड मूवमेंट होगा तो वी विल गेट 1 2 3 एम्प्टी टाइल 4 6 7 5 8। तो ये हमने एक ही लेवल पे, एज इन फर्स्ट लेवल पे जितने भी नोड्स थे उनको एक्सप्लोर कर लिया। अब बारी आएगी सेकेंड नोड पे प्रेजेंट नोड्स को एक्सप्लोर करने की। तो सेकेंड लेवल पे देखिए, हमारे पास राइट मूव का एक्सप्लोर किया हुआ नोड्स था, दैट इज राइट लेफ्ट अप एंड डाउन। अब उसमें से राइट वाला जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे एम्प्टी टाइल के तीन मूवमेंट्स पॉसिबल है, लेफ्ट डाउन एंड अप। तो जब एम्प्टी टाइल लेफ्ट में जाएगी तो हमें जो न्यू नोड मिलेगा वो होगा 1 2 3 4 एम्प्टी टाइल 6 7 5 8। सिमिलरली जब डाउन जाएगी तो वील गेट 1 2 3 4 6 8 7 5 एम्प्टी टाइल, एंड जब एम्प्टी टाइल अप जाएगी तो वी विल गेट 1 2 एम्प्टी टाइल 4 6 3 7 5 8। तो ये हमने राइट वाले नोड को अभी एक्सप्लोर किया है। अब सिमिलरली लेफ्ट वाले नोड को एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो लेफ्ट वाला जो नोड है उसमें एम्प्टी टाइल के तीन मूवमेंट्स पॉसिबल है, राइट डाउन एंड अप। तो जब हम राइट में एम्प्टी टाइल को मूव करेंगे सो वी विल गेट 1 2 3 4 एम्प्टी टाइल 6 7 5 8। जब एम्प्टी टाइल को डाउन में मूव करेंगे तो वील गेट 1 2 3 7 4 6 एम्प्टी टाइल 5 8, एंड जब एम्प्टी टाइल को अप मूव करेंगे तो वील गेट एम्प्टी टाइल 2 3 1 4 6 7 5 8। अब सिमिलरली हमको अप वाला जो हमारा नोड है उसको एक्सप्लोर करना है, सो लेट्स गो। अप वाले नोड में एम्प्टी टाइल जहाँ पे है तो उसके कुल 3 मूवमेंट्स आर पॉसिबल, लेफ्ट डाउन एंड राइट। तो जब एम्प्टी टाइल लेफ्ट में जाएगी तो वी विल गेट एम्प्टी टाइल 1 3 4 2 6 7 5 8। जब एम्प्टी टाइल डाउन जाएगी तो वी विल गेट 1 2 3 4 एम्प्टी टाइल 6 7 5 8। जब एम्प्टी टाइल राइट जाएगी तो वी विल गेट 1 3 एम्प्टी टाइल 4 2 6 7 5 8। अब हमें डाउन वाले नोड को एक्सप्लोर करना है, सो लेट्स डू दैट। डाउन वाले नोड को एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे एम्प्टी टाइल के तीन मूवमेंट्स पॉसिबल है, लेफ्ट मूवमेंट, राइट मूवमेंट एंड अप मूवमेंट। तो जब हमारी एम्प्टी टाइल लेफ्ट जाएगी तो वी विल गेट 1 2 3 4 5 6 एम्प्टी टाइल 7 8। जब हमारी एम्प्टी टाइल राइट जाएगी तो वी विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 8 एम्प्टी टाइल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपना गोल स्टेट अचीव कर लिया है, आवर गोल स्टेट वॉज एग्जैक्टली सेम एज दिस। तो वी हैव ऑब्टेन्ड इट ऑन द थर्ड लेवल व्हेन वी एक्सप्लोर डाउन वाला नोड। ओके, सो जब टाइल का राइट मूवमेंट होगा एट थर्ड लेवल तब हमें मिला हमारा गोल स्टेट। तो ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च के थ्रू हमने अपना गोल स्टेट अचीव किया इन आर 8 पजल प्रॉब्लम। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।